सबको। मिल चुके हैं कैश कैश यहाँ देखिए, और ज्योति अभी पैसे गिन रही है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा यहाँ से स्टार्ट, और आज का ब्लॉग होगा कुछ खास, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने विलेज यानी कि हलान को, और क्योंकि कल है साजा, लोकल में साजा बोला जाता है, और वो मनाएंगे हम घर जाकर। तो अभी हम पहुँच गए हैं रास्ते में। लाई है ये, इनको बोलते हैं खिल्ला, जो हमारे घर में आते हैं बच्चे छोटे छोटे, उनको सभी को बांटी जाती है, साथ में पैसे भी दिए जाते हैं। और हम भी बच्चे आने वाले हैं, मतलब अपने बड़े पापा वगैरह जितने भी हैं उनके घर, और हमें भी मिलेंगे पैसे और ये खाने को मिठाइयाँ। तो कल तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं सौ में, और अभी हम जो है वो अपने गांव में एंटर हो रहे हैं, और यहां से जाते हुए जो हमें वाइब्स आ रही है बहुत अच्छी वाली, उस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा सुकून, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब बचपन में ना हम स्कूल में अक्सर इसी रास्ते से आया करते थे डेली। घर में आकर तो हमें इतना ज्यादा सुकून मिल रहा है, हम क्या करें। अभी तो देखिए यहाँ से बहुत ही ज्यादा प्यारा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। हमारी मॉर्निंग हो चुकी है कुछ इस तरह। यहाँ देखिए आज मौसम यहाँ पर कैसा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा गांव। आज है लोकल में बोलते हैं साजा। 6 हो चुकी है और मम्मी तब से लेकर बोल रहे हैं कि उठ जाओ क्या खाई वगैरह करते हैं, और भगवान जी को भोग लगाया जाता है, जो हमारे यहाँ के लोकल देवता होते हैं उनको हम भोग लगाते हैं सुबह उठकर। तो चलिए अब चलते हैं हम काम करने। बहन जिसकी ड्यूटी लगी है झाड़ू देने में, और यहाँ है भैया जो खीरे निकाल रहे हैं हमारे लिए स्पेशल, जब हम जाएंगे तो हम ले जाएंगे अपने साथ खीरे। विलेज में आकर इतना सुकून मिलता है कि हम आपको क्या कहें। और अभी भी यहाँ पर धूप नहीं निकली है, मतलब फर्स्ट अभी निकल ही रही है, आप देख सकते हो वो भी बादलों के बीच में है। सो गाइस, सुबह उठ के हमारा काम रहता है पूरे घर में सफाई करना, साथ साथ में हमारे जो यहाँ के स्थानीय देवताओं को भोग लगाना। तो जो हमने अभी बनाए वो घी के, हम लोकल भाषा में बोलते हैं उन्हें चिलड़ू, जो आटा के बनाए जाते हैं, और साथ साथ में उसी के साथ साथ आज बना रहे हम हलवा, चने पूरी और दाल कड़ी चावल। तो अभी पूरियाँ बनानी बाकी है, उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खाते आपको भैया कैसे लटका हुआ है पेड़ के बीच में, और आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा खीरे इन्होंने निकाल दिए हैं। यहाँ पर है मेरी बहन, देखो कुकुम्बर, और यहाँ है भैया। देखिए गाइस, पूरी बाल्टी भर चुकी है खीरे से, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा खीरे हैं। क्या ही देखिए, अब इसमें आप ही रख पा कर इसको कैसे रहने,
ऐसे ही रख दो इसको। अभी हमारी ड्यूटी लगी है पूरियां बनाने में, और अभी हम बना रहे हैं पूरियां। फाइनली हम साचा बनाते हैं, वो होता है ये, जो होता है हमारे पर स्पेशल फूल, जिसको बोलते हैं हम गेंदे का फूल, और लोकल में बोला जाता है उसे डोलरू फूल, और उसी के पत्ते होते हैं। यही हम मतलब दूसरों को देते हैं, इसी का साझा मनाया जाता है, और स्पेशल मिठाई होती है ये। इसी के साथ अभी हमने फैमिली वालों को बांट दी है सबको, और उसके बाद हम जाएंगे अपने गांव में, यानी कि अपने बड़े पापा वगैरह उनके पास, और उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। त्यौहार स्पेशली मनाया जाता है लोकल एरिया में, यानी कि हिमाचल में। हिमाचल में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ये साझा मनाया जाता है, और सारे अपने घर में नए नए तरह के पकवान बनाते हैं, और एक दूसरे को इनवाइट करते हैं खाना खाने के लिए। तो हम भी जाएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमारी बहन की ड्यूटी लग गई है पोछा देने में। कैसा लग रहा है आपको? की तरह जैसे कि झाड़ू लगा पोछा लगा, वैसे ही मैं आज भी वही काम कर रही हूँ। तो इसका काम होता है सफाई करने का, वैसे तो मैं करती थी लेकिन आज आ गई है ये, तो इसीलिए इसे करना पड़ रहा है आज। पूरियां तो बन गई है, और अभी हमें बनानी है रोटियां। जाकर हम हो चुके हैं काम करके फ्री। और तो कैसा लग रहा है आपको पूरे घर में सफाई करते हुए? मैं इनकी पूरे घर में, जहाँ मैं एक रूम में लगाती थी ना झाड़ू, पूरे घर में लगाया झाड़ू और सारा काम किया। मैं थक गई हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब हम जाएंगे राखी बांधने के लिए। राखी सारा काम करके, और आपको मैं टाइम बता देती हूँ, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ गए थे तो, और अभी टाइम हो चुका है 9, और अभी हम जाएंगे जूब देने, यानी कि गाइस अभी हमने खाना भी बना दिया, और चुन्नू मुन्नू अभी आएंगे थोड़ी देर बाद हमारे घर। बस वो पहुँच गए हमारे घर, चुन्नू मुन्नू। हेलो हेलो, हैप्पी साचा। हेलो साचा। किस किस के पास गए आप जूब देने? एक बुद्धा दी के पास। अच्छा, और किसके पास गए? और मेरी मम्मी के पास। अच्छा, और मेरे दादी के पास, और मेरे पापा के पास। अच्छा, और मेरे और किसके पास? दादू के पास। अच्छा, एक चीज बढ़ती है छान तभी पैसे चाहिए या मिठाई? जूब होती है ये वाली, हम तोड़ते हैं अभी इसको, तो उसके बाद चलेंगे हम सब जगह। बजने वाले हैं तो हम चलते हैं अब जूब देने। चल पड़े हैं हम जूब देने, और ये हमारी ज्योति, और ये हमारी अश्मिता। तो वेदर पीछे कैसा हो गया है, बहुत ही प्यारा। और अभी हमारे गांव में आता है देवता, जो है नागधूमल जी, और सब लोग जा रहे हैं वहीं को। और सबसे बड़े पापा है मेरे, उनके घर, क्योंकि उनका घर थोड़ा सा ऊपर है हमारे घर से, तो अभी हम उनके पास जा रहे हैं। इसके बाल देख सकते हो कितने लंबे। अभी हमने जाना है नानी के घर थोड़ी देर बाद, तो अभी हम चलते हैं घर की ओर, और हमारे देवता भी जा चुके हैं अभी यहाँ से, तो चलते हैं घर की ओर। हेलो गाइस, बाय बाय। ये सारे थे कजन, और साथ ही साथ भाभी जी वगैरह है, चुन्नू मुन्नू है, देखो सारे आ गए। हाय गाइस, तो सारे जा चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं बड़े पापा के वहाँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है वहाँ जाके, बहुत इंजॉय करेंगे। अभी जाकर हो गए हम फ्री पूरी तरह से, हमने अपने रिलेटिव सबके वहाँ जाकर जूब दे दी है, और अभी हम आ चुके हैं ज्योति के घर, और यहाँ से दिखता है हमारा सीधा घर, और आप देख सकते हो वेदर। अभी हम खेलेंगे फ्री फायर।
गाइस अभी हम जा रहे हैं नानी के घर और हम सब हो गए हैं तैयार और मम्मी को तो और भी ज़्यादा जल्दी लगी है जाने की अपने मायके। और ये है हमारी दीक्षु जी, हमारी बहन अभी जा रही है हॉस्टल को बेचारी, क्या करना है, इसकी भी मजबूरी है, जाना ही पड़ता है और इतना सामान लेकर जा रही है, पता नहीं क्या इसमें मैं लेकिन सेब वगैरह फिर खीरे ले गई हूँ पौधा पाँच छः, क्योंकि आपको पता ही है अब हॉस्टल जा रही हूँ तो वहाँ पे तो सब कुछ लेना पड़ता है, तो यहाँ पे हमारे पास कभी खुद के पास आपसे मिलते हैं नानी के घर पहुँच कर। बाय। हम दोनों के पास सेम सेम चप्पल हो गई है मेरे पास और मम्मी के पास। अगर आपको हॉस्टल जाते हुए नानी के वहाँ आप नहीं आ रहे तो आप अपनी व्यथा सुना सकते हैं हमें। मैं क्या ही बताऊँ, बहुत दुख हो रहा है। गाइस टाइम हो चुका है 4 और अभी जाएंगे हम सबसे पहले पतलीगंज, उसके बाद हम जाएंगे शेगली जो है हमारे गांव के अपोजिट साइड पे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नौकरी जा रही है आज अपनी नानी के घर और छोटी नौकरी पीछे है। हाँ बड़े वाली प्रो। हे गाइस तो अभी हम चल पड़े हैं मैं हॉस्टल की और मेरी सिस्टर नानी के पास, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख की बात ये है कि मैं जा नहीं पा रही हूँ उनके पास और बहन जा रही है अब, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है पर क्या कर सकते हैं। बाय बाय। मुझे बहुत दुख हो रहा बट चुके हैं अपनी नानी के घर और यहाँ बोलते हैं शेगली गांव और ये है प्यारा सा छोटा सा गांव। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही क्योंकि अंधेरा होने वाला भी है और ये वीडियो बहुत ही लंबी चली जाएगी, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।